त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणां त्वमेव त्वमेव सर्व मम देव देव त्वमेव सर्वे मम देव देव सर्वावतारिणे श्रीहरि कृष्णाय नमः ॐ श्री घनश्यामाय नमः ॐ श्री स्वामीनारायणाय नमः सहजानंद स्वामी महाराज ने जय स्वामी नारायण हरे। करि पराजय असुर नो सुर नो सुधारो सार करियो हरि करुणा करि धरि हिमत धर्म कुमार तेमनि लीला कहो हवे मुनिवर मति निष्काम सुसु चरित्र ते की धला दिधला सुख घन श्याम भुजनगर मां मंदिर मां सभा मंडप मां बेसी ने ब्रह्मानंद स्वामी अपनो वागड़ देश धमड़का गामना राजा रायधन जी राम सिंह जी अने भगवान श्रीहरि ने कथा संभळावे छे। राम सिंह जी कहे छे स्वामी भुजनगर मां महाराज पधार्या छे अने महाद्वेषी जगजीवन पराजय करी असुरनो सुरनो सुधारो सार असुर ने पराजय करी देवताओं ने सुखी कर्या हांभरी ने गई कारनी कथा याद आवी गंगाराम मलना घरे गया ने आवी जाओ जेनी माए सवासेर सूंठ खाई खाई ने तमारे जन्म्या जन्म दीधो होय हम आवी न गया उल्टा ने जगजीवन ज मारी नाख्यो एवा भगवान श्रीहरि ने मने लीला कहो महाराज शू शू लीला चरित्र कर्या केवा भक्तों ने सुख आप्या कया कया गाम में श्रीहरि गया अरे गामना नाम संभड़ावो तो राजा के मने मजा आवी जाए कि ओ कया कया गाम में गया शू शू लीला करी। ब्रह्मानंद स्वामी कहे छे राजन भाव थी सांभड़ो असुर मराव्यो असुर थियो जगजीवन में तो असुर हतो ने पोताना ज सेवको बधा नोकरो माणसो एना द्वारा जेनो नाश करावयो एम भगवान श्रीहरि भुजनगर में रही अने भक्तजनों ने खूब सुखो आप्या हो। हे दीधा संत ने घूंघट ने मां प्रेम करी करवा ने खेमा आव्या रहेवा ने भगुजी भक्त जानी जीव माही जूठो जक्त संतो ने नियम आप्या घूंघटा ने लो घूंघटो एटले शू कहता खबर है लाज काटवी लाज
भाई ना लाज काढ़े ने अने भायड़ा लाज काढ़े तमे जोया पुरुषों लाज काढ़े जोया तमे लाज काढ़े कि न काढ़े अर्धी काढ़े अर्धी आखे न काढ़े अर्धी काढ़े किधी काढ़े खबर लाज कोक मानस गुजरी गयो होय पछी बधा काणे आवे काणे समझा एक गाम में मैं जोयुं तुं बे माळवारुं मंदिर हतुं हूँ छठ अगासीमां उभो तो सवारे आठ वगे हे एक गाम में कोई गुजरी गया से मोटा मानस छकड़ा भरे भरे आवे हो बधा भेगा थया पछी माथे माथे ओढ्युं आम अटलू घणा आम पछी त्यांथी एम लाइन ना वाला आवे रोता आवे ओ अला पुरुषों रोता ना आवड़े बहिर ना आवड़े हारूँ का तो उन्होंने छोकरा ना आवड़े रोता है तेम रोता रोता आवे जेने घणी मेणू मेणू थई गयो ने त्यां आवी अने चाई ने गांठिया खाए मारा वेला भैलसो करे भगवान नी वातुं करे धून करे काई नहीं पछी मैं तो कीधु मंदिर में ले आम हूँ फायदो थाय कीधु का लोकाई जाऊँ होय जो अपना सत्संग में रिवाज छे अमे संतो कोई ना बेसणा में जाता नहीं पण हरिभक्तो ज भेगा थाय ने बे कलाक खण बेहे बे कलाक अढ़ी कलाक त्रण कलाक हे भगवान ना लीला चरित्रो भगवान नी कथा करे का तो भगवान नू शास्त्र वाँचे भक्त चिंतामणि जेवा ग्रंथो वाँचे तो कांईक भगवान ना चरित्रो थाय ने ओलो जीवात्मा वाट जोतो होय मारी पाछळ शुं करे भाईड़ा रोता रोता जाए अने पछी जाए नास्तो पाणी करे ने चा गांठिया पीवे तो ओल्यान हूँ मरे मरी गयो होय ने पण सत्संगनो रिवाज कथा वार्ता थाय भगवानना चरित्रोनी जीवात्माने पुण्य मळे आत्माने शांति मळे तो भगवान श्रीहरि भुजमां एक प्रकरण चलाव्युं संतोने के तमारे हालवुं त्यारे घूंघटो काढीने हालवानो लाज काढीने हालवानो कोई मण बीजा देखाई न जाय नीचे देखाय हालो जावानो आवुं प्रकरण थोड़ा दिवस भगवान स्वामीनारायण करेलुं पछी भुजनगरमां भगुजी आव्या छे भगुजी संसारमांथी उदास थई गया सुरवीर बहु हता एनी कथा तो आखी एक अलग कथा छे एनो भाई हतो भाई परणेलो तो आ लगभग पोते नता परणे एवुं कंईक हतुं पण भाई दारूडियो हतो एनी घरवारी सारी सज्जन हती एने जोरे दारू पावानी कोशिश करतो हतो ने एकवार तो बधा भेगा थया ने एनी बहिरने जोरे दारू पावामां भगुजीथी शान थयो नी मार्यो धोको एनो भाई मरी गयो समझ्या गुजरी गयो हवे शुं करूं पाप थई गयो पछी घरे बधी व्यवस्था करी हरखी अने पछी भगुजी आवता रह्या भगवान स्वामीनारायण पासे आखी जिंदगी महाराज पासे वीतावी अने प्रभुए वीर भगुजी कहेवाय हो वीर भगुजी ने पोतानी साथे राख्या पछी भगवान श्री हरि त्यांथी रामपुर गयेला छे रामपुर में गंगाजी छे रुक्मावती नदी छे एना पश्चिम किनारा उपर सरस मजानुं रमणीय स्थळ छे भुज मंदिरनी जी जग्या छे रामपर वेकराने गंगाजी कहेवाय त्यां भगवान श्री हरि 15 दिवस रोकाणा अने पुरुषोत्तम गीतानी कथा करी हो पुरुषोत्तम गीतानो उपदेश 15 अध्यायनी कच्छलीला में कथा आवे छे ए भक्तो भेड़ा थाय अने भगवान श्रीहरिए ज्ञाननी उपदेशनी घणी बधी वातो करी छे पछी त्यांथी श्रीहरि चालता चालता छेट 13 गयेला छे नारायण सरोवरनी बाजू में आयु 13 त्यां श्रीमद भागवत वंचायुं प्रागजी पुराणी पासे त्यांथी काड़ा तराव गया हरभम सुथार ने त्यां महाराज रोकाणा थोड़ाक दिवस त्यां रही वड़ी प्रभु त्यांथी चालता चालता गुजरात में गया गुजरात में पंचाड़ा पधार्या छे झीणा भाई नू पंचाड़ा कहवाय हो तो त्यां झीणा भाई ने मळ्या ने त्यांना भक्तों ने आनंद पमाड़ी त्यांथी चालता चालता पाछा करियाणा गाम गया करियाणा हो बहु मजानू गाम छे करियाणा गाम प्रभु पधार्या एक वार डूंगरनी धार उपर फरवा गया था ब्रह्मानंद स्वामी सरस मजानी वांसड़ी लई गया था
महाराज ने पूछू तमने वांसड़ी वगाड़ता आवड़े? कृष्ण अवतार में तो वगाड़ता, हवे आवड़े भूली गया? महाराज के आवड़े ने, पण वांसड़ी क्यांथी काढवी? कपड़ो महंताड़ीने लई आव्यो अने आपी महाराज ने। अने पछी भगवान श्रीहरि एक सरस मजानो पत्थर हतो, हजी छे पत्थर, पत्थर उपर बेसीने वांसड़ी वगाड़ी। खम्मा मारा धर्मना लाल वांसड़ी क्यारे वगाड़ी, आव्या ता करियाणा गाम वांसड़ी क्यारे वगाड़ी। पत्थर ऊपर बेसीने वांसड़ी वगाड़ी, ए हजी करे छे रणकार, वांसड़ी वगाड़ी सुर पत्थर में उतार्या, हजी करे छे रणकार, वांसड़ी क्यारे वगाड़ी। हजी पत्थर बोले छे, लियो पत्थर मारी ने आड़ती जेवो अवाज आवे। કેટલાક નિયમ થયું કે આ પથ્થર ઉપાડી જાય તોડી જાય પણ તૂટતા નથી। આજુબાજુમાં નાના નાના પથ્થર છે ને બધા પથ્થર અવાજ કરે, વાંસળી જેવો અવાજ આવે છે। આજની તારીખે પણ એ ચમત્કાર છે। હવે તો પિંજરું બનાવી લોખંડનું, એ પથ્થરને હંચી દેવામાં રાખ્યો ડુંગર ઉપર, ત્યાં ને ત્યાં કરિયાણા મારે ત્યાં કને રહેતા હતા। એકવાર સંતદાસજી આવ્યા, સંતદાસજી એટલે દેહથી દેહ ભૂલેલી દશામાં દેહની સાથે લેવા દેવાની એવા એક સંત હતા। ભુજમાં હમીસરમાં નાવા ગયા, ડૂબકી મારી તો બદ્રિકાશ્રમ જઈ નીકળ્યા। આવરણ ના નડ્યું, વડની ડાળ ઉપર કપડાં ઉતાર્યા હતા। બધા સંતો હમીસરમાં નાઈને બહાર નીકળ્યા, પોતપોતાના કપડાં પહેર્યા। એક સાધુના કપડાં વધી પડ્યા, મહારાજ કે આ સાધુ ક્યાં ગયો? એટલે કે ડૂબ્યા કોઈ સાધુ, ગોતો ગોતો મંડ્યા ગોતવા તો કાંઈ મળ્યું નહીં। મહારાજ કે હવે નહીં મળે કે? સંત દાસજી હમીસરમાંથી ડૂબકી મારી અને બદ્રિકાશ્રમમાં ત્યાં જઈને, ત્યાં માનસરોવર છે એમાંથી નીકળ્યા, ત્યાં રહે।